देखिए दोस्तों, अभी ये विशेष दर्शन हो रहा है क्योंकि दोस्तों, ये बाबा बेलखरनाथ धाम का शक्तिपीठ मंदिर है और इस मंदिर के अंदर इस प्रांगण के व्यवस्थापक और व्यास जी भी हैं। आइए इनसे जानते हैं कि क्या है मनमास का महत्व और अधिक मास का। जो दो महापुरुष हमारे पास में हैं, एक हैं श्री मदन सिंह जी जो बाबा बेलखरनाथ धाम सेवा समिति के अध्यक्ष हैं, और दूसरे हैं शक्तिपीठ है यहाँ पे उसके जो शक्ति पुष्पक पीठ है उसके व्यास जी हैं, उसके सर्वे सर्वा हैं। अब इन लोगों के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी आप खुद देंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो दोस्तों, ये व्यास जी के पास चलते हैं। व्यास जी, आपको सादर प्रणाम। और आपसे हमारा पहला क्वेश्चन है, बाबा बेलखरनाथ धाम का संक्षिप्त इतिहास आप बता दीजिए और उसके बाद आपको अधिक मास और मन मास का महत्व के बारे में बताना है। जी, बाबा बेलखरनाथ धाम पौराणिकता में बिल्वेश्वर नाथ महादेव के नाम से जाना जाता है। शास्त्रोक्त वर्णन इसका है। महाशिवरात्रि के पर्व पर यहाँ सरोवर के किनारे गुरुद्रुह नाम के व्याध को भगवान अनायास ही एक शिकारी के बहाने 24 घंटे की उपवास को तपस्या मान के प्रकट होकर दर्शन दे दिया, उनके साधना को अमृतवत बना दिया, वरदानी बना दिया। और उसी साधना के फलस्वरूप उनको कहा कि तुम गंगा जी के किनारे जाओ, निषाद राजगुरु श्रृंग बेरपुर में अपनी राजधानी बनाओ, वहाँ त्रेता युग में तुम्हें भगवान श्री राम के द्वारा दुर्लभ वैकुंठ मार्ग प्राप्त हो जाएगा जी। ऐसा आशीर्वाद देके भगवान ने उस गुहद्रुह नाम के व्याध को कृतार्थ कर दिया और तब से बिल्वेश्वर महादेव के नाम से यहाँ की जनसंख्या महाशिवरात्रि पे अपरंपार भीड़ के साथ आती रही। कालांतर में इस कलिकाल में 1248 सन के आसपास बसौली बांदा जिला के जनपद के गैवर शाह दीक्षित वंशी क्षत्रिय आए, उन्हें कोई शिलालेख मिला जिसमें ये लिखा था बिल्वेश्वरनाथ, उन्होंने पढ़ा अपभ्रंश बेलखरनाथ। कहा प्रभु, यदि मेरे परिवार का विस्तार होगा, यहाँ से मेरे वंश का विस्तार होगा, मेरे साम्राज्य का विस्तार होगा, तो हम आपके ही नाम वाले हो जाएंगे। भगवान ने उनकी प्रार्थना को स्वीकार किया, उनके वंश का विस्तार हुआ, साम्राज्य का विस्तार हुआ, वो बेलखरिया के नाम से जाने जाने लगे। अच्छा, आज भी सुदूरस्थ वो यहाँ रहते हैं। तब से बेलखरनाथ की परंपरा चली। हमारे पूर्वजों के द्वारा बाबा बेलखरनाथ धाम के मंदिर को बनवाने के लिए महाराज दिलीपपुर का प्रमुख रूप से योगदान रहा, उन्होंने इन्हें लाके बसाया और मंदिर ही निर्माण प्रमुख जिसका उद्देश्य था। इसी बहाने हमारे परिवार को वहाँ बसा के पूरा राजकोष से उनका खर्च वहन किया करते थे महाराज श्री दिलीपपुर जी। और मंदिर तीसरी पीढ़ी में बना और महाशिवरात्रि के पर्व के अलावा फिर धीरे धीरे यहाँ की जंगल झाड़ियों जो प्राकृतिक तांडव के अंतर्गत ना मालूम कितनी बार ये बहुत विस्तार से देवालय के रूप में जाना जाता रहा और ना मालूम कितनी बार ये सब खंडहर हो गया प्राकृतिक तांडव के अंतर्गत। लेकिन वर्तमान समय की यदि बात करें तो बेलखरनाथ के नाम से
यह जाना जाने वाला क्षेत्र अब जाके कहीं विकास के मार्ग पर अग्रसारित है। और इसके आगे ये जो मंदिर है शक्तिपीठ, इस ये कब बना और इसका क्या महत्व है? शक्तिपीठ पुष्पक निर्माण करने का गौरव मुझे यहाँ के लोगों के द्वारा प्राप्त हुआ। अनायास ही एक महात्मा के द्वारा यज्ञ का आयोजन किया गया, वह रुद्र महायज्ञ में मुझे व्यास पीठ पर आसीन करके महात्मा जी ने व्यास नामकरण से मुझे अलंकृत कर दिया। और उसी यज्ञ को कराने के बाद 1997 से यज्ञ के कार्य हमारे द्वारा संपन्न होने जाने लगा। और धीरे 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 फिर स्वप्नवत या जो भी प्रभु की इच्छा थी, माता रानी की जैसी कृपा थी, तदनुसार यहाँ शिलान्यास करके ये निर्माणाधीन हो गया। आज तक निर्माण कार्य मंद गति, कभी तीव्र गति से चलता चला चल रहा है। अधिक मास जो है अथवा मन मास का क्या महत्व है और यहाँ पर मन मास में क्या विशेष होता है? हमारे शास्त्रों में भक्त प्रहलाद की कथा बड़े ही विचित्र ढंग से बताई गई है। उन्हीं के पिताजी हिरण्यकशिप ने अपनी मृत्यु को कौचित करते हुए ये वरदान मांगा ब्रह्मा जी से कि मैं 12 महीनों में किसी महीनों में न मरूं, इसलिए 13 महीने का निर्माण नारायण भगवान ने किया और इसका नाम पुरुषोत्तम मास रखा या मलमास रखा। उस हिरण्यकशिप के पाप से देश को सुरक्षित करने के कारण ये मलमास के नाम से जाना जाता रहा। आज यहाँ बाबा बिलखरनाथ धाम में अनेकानेक विद्वान अपने अपने आश्रम के साथ कथा वार्ता इत्यादि के द्वारा लोगों को जागरूक करते हैं, उन्हें बताते हैं कि मलमास का क्या प्रयोजन है, पुरुषोत्तम मास का क्या, और इसमें दोपहर तक भगवान की चरित्र कथाओं का गुणानुवाद होता है, उसके बाद भंडारे का आयोजन किया जाता है, लोग बाग श्रद्धालुगण रुद्राभिषेक अन्य अन्य अनुष्ठान वगैरह भी किया करते हैं। मन मास में भोलेनाथ की पूजा का कोई विशेष महत्व है? भोलेनाथ की पूजा का विशेष महत्व है, विष्णु भगवान की पूजा का विशेष महत्व है, जितने भी देवी देवता हैं उन सबके पूजा करने का बड़ा विशेष महत्व है, क्योंकि ये तीसरे साल आने वाला पर्व होता है, इसमें किया गया पुण्य अक्षय पुण्य का लाभ प्रदायक है। जैसे अभी 2020 में पड़ा है तो आपके हिसाब से अगला मनमास कब पड़ेगा? 2023 में। सही नाम इसका क्या है? मनमास पुरुषोत्तम, पुरुषोत्तम मास के नाम से जाना जाता है। मलमास अधिक मास भी लोग बात कहा करते हैं। अच्छा, तो आपने दादाजी बहुत अच्छा जवाब दिया व्यास जी। अब आइए, अब आपको एक लास्ट क्वेश्चन कि मन मास में कहते हैं कोई नया काम नहीं शुरू करना चाहिए, क्या ऐसा ही है? जी हाँ, ये पुरुषोत्तम मास है, केवल आराधना की दृष्टि से सर्वोत्तम मास कहा गया है। इस महीने में संक्रांति नहीं होती है, इसलिए इसका नाम पुरुषोत्तम मास है। और संक्रांति नहीं होती है मतलब? जी हाँ, 10 दिन हर साल, 10-10 दिन सूर्य की संक्रांति की जो गति है, 10-10 दिन बढ़ के तीसरे वर्ष एक महीने का पुरुषोत्तम मास लगता है। अच्छा, चंद्रमास और सौर्य मास में यही अंतर हुआ करता है। अच्छा अच्छा, तो अब मन मास में कोई भी आप इसमें न विवाह कार्य होते हैं, अच्छा, न गृहारंभ कार्य होते हैं, कोई भी ऐसे केवल पूजा पाठ या धर्म से संबंधित जो भी कार्य हैं, यागिक कार्य, ये सब हुआ करते हैं। अच्छा, मन मास में यहाँ क्या क्या विशेष अनुष्ठान होते हैं, कुछ विशेष होता है इसके बारे में बताइए आपके मंदिर में? भगवान शिव जी के लिए आराधना नाना प्रकार से विद्वान लोग करते हैं, अनेकानेक पुरस्चरण जप आदि करके, और मतलब सारे देवी देवता जितने भी हैं उन सबकी आराधना करके मनोवांछित फल प्राप्त करने का ये पुरुषोत्तम मास है। चलिए बाबा जी, आपने बहुत अच्छे जवाब दिया। आइए बाबू साहब के पास रूबरू होते हैं और इनसे जानते हैं कि इनका सबसे पहले बाबू साहब अपना परिचय आप दीजिए, पूरा परिचय सब जानते हैं लेकिन यू। मेरा नाम मदन सिंह है, मैं बाबा बिलखरनाथ धाम सेवा संगीत का अध्यक्ष हूँ इस समय वर्तमान में। मैं यहाँ का जो सेवा होता है,
शासन संबंधित जो व्यवस्थाएं होती हैं जी, वो सब मैं देखता हूँ यहाँ पे। तो आप अकेले ही सेवा करते हैं क्या, आपकी कोई सेना होगी? हमारे पास समिति, मैंने आपसे बताया, हाँ, समिति है। समिति एक लोगों की नहीं होती, हाँ, कई लोगों का होता है। हाँ, माफी चाहते सब अपने अपने समय अनुसार यहाँ समय देते रहते हैं, लेकिन ज़्यादा समय मेरा यहीं व्यतीत होता है जब मलमास या धार्मिक मेला जब यहाँ आयोजन होता है। हाँ, लोगों की आवश्यकता होती है वो सब बुला लिए जाते हैं। और भंडारे में आपका क्या कार्य होता है? भंडारा तथा कथित ये रहा है, किसी व्यक्ति विशेष का नहीं है जी। आप भी आइए भंडारा अगर आप करना चाहते हैं, यहाँ ऐसी व्यवस्था दिया गया है, आप अपना भंडारा करिए, लोगों को जो है दान पुण्य करिए, आप उसके भागीदार बनेंगे। तो जो भी आता है श्रद्धा सुमन यहाँ अपना भंडारा करना चाहता है तो वो चल रहा है पहले से ही प्रथा। अगर ये कहा जाए कि आप सेवक नंबर वन हैं तो कोई अच्छी नहीं, ये ऐसा कहना उचित नहीं है। अच्छा, क्योंकि इस धरा धाम पे हमारी समझ में चाहे हाथी हो या चींटी हो जी, सबका एक अपना महत्व है जी। तो हर में कुछ न कुछ विशेष है। हाँ। तो ये कहना मेरे लिए, मैं नहीं चाहूँगा मेरे लिए कहा जाए, सेवा करना अच्छी बात है, हर कोई अपने अपने हिसाब से सेवा कर रहा है। मेरा आज उसी भोलेनाथ की कृपा से अगर यहाँ सेवा का मौका मुझे मिला तो मैं इसके लिए तो मैं अपने गुरुओं माताओं के लिए भाई धन्यवाद देना चाहता हूँ कि कम से कम मुझे इस लायक समझा गया, सेवा हो रही है, चल रहा है। एक सेवा समिति के अध्यक्ष के रूप में आपका पहला मनमास है कि इसके पहले भी कोई मनमास? नहीं नहीं, हमारा दूसरा मनमास है ये। अच्छा, तो इसके पहले मनमास में भी आप सेवा करते? देखिए, मैं रहने वाला यहीं बगल का ही फूजी कला का हूँ। और जैसे अभी गुरुदेव से आपने बात किया है जी, तो जानते हैं मैं जब से समझदारी हुई है, मैं ये नहीं कह सकता हूँ जन्म से ही, जन्म से कह लीजिए, यहाँ सेवा किसी न किसी रूप में देता आया हूँ। जैसे यहाँ पेड़ आप देख रहे हैं, वृक्ष जो पीपल के और सवाल लगे हुए हैं जी, ये हमारे बाबा जी थे स्वर्गीय श्री बालक शिवालक सिंह। अच्छा, उनके माध्यम से यहाँ लगाया गया था। अच्छा, तो वो तो अनंत फूलदायी रहा है। हाँ। वो चले गए तो गांव के हमारे बहुत सारे लोग सेवा, श्री रणछोड़ बहादुर सिंह थे, वो भी इसमें नहीं वैकुंठवासी, राजा सिंह थे, मैं नाम तो बहुत लोगों को नहीं ले सकता हूँ, लेकिन समय समय पे सब सेवा देते चले आए। फिर भी अपनी सेवा समिति के कुछ लोगों का नाम ले लीजिए। तो जैसे उनके सदस्य हैं हमारे सेवा समिति में, कई सदस्य हमारी टीम है, जिसमें सबसे मैं कहूँगा कि राधा कृष्ण मंदिर का आपने निर्माण कराया है, नजियापुर के रहने वाले श्री महेंद्र कुमार पांडे सॉरी दुबे जी हैं जो हाईकोर्ट में है, हमारे गांव से ही सुधाकर सिंह हैं जो महामाया विद्यालय चला रहे हैं, गांव के ही पृथ्वी नारायण सिंह पूर्व प्रचार हैं, भभूति सिंह मास्टर साहब हैं, क्षेत्रीय कुशभानु सिंह हैं, काफ़ी लोग हैं जो अच्छे अच्छे परिवार से सम्मान जुड़े हुए हैं, सभी लोग अपना अपना योगदान यहाँ करमाही से हैं। मंत्री जी भी हैं क्या सेवा समिति में? मंत्री जी हमारे सेवा समिति में तो नहीं, लेकिन मंत्री जी का संरक्षण प्राप्त है, आप ये कह सकते हैं हमारे समिति के वो संरक्षक के रूप में है। कौन मंत्री? दोनों की? एक दोनों मंत्री। अच्छा, भाई दोनों का ही क्षेत्र है, दोनों जन यही की माटी में पले बड़े हैं, तो मैं किसी व्यक्ति विशेष का नहीं है, वो लोग स्वयं कमी है नहीं, हाँ, तो वो लोग स्वयं यहाँ पे अपना समय देते हैं। रोड वगैरह बहुत बढ़िया हो गई है और भी यहाँ पर व्यवस्थाएं बढ़िया हो रही हैं, तो अभी इसके लिए आप किसको श्रेय देंगे? अभी तो भगवान की इच्छा से शुरू हुआ है, अभी तो मान लीजिए कि अवसर उन्होंने प्रदान किया है, अवसर प्रदान किया गया है। अच्छा, तो माननीय मंत्री कैबिनेट मंत्री मोती सिंह द्वारा जी यहाँ रोड का निर्माण कराया गया है जी। डॉक्टर महेंद्र सिंह जो करमाही से मिलान करते हैं जी, इसमें जल शक्ति मंत्री हैं। हाँ, हाँ। आपके माध्यम से सौर ऊर्जा का यह यहाँ लगाया गया है लाइट वगैरह। अच्छा, अच्छा। माननीय मंत्री मोदी सिंह हाई मास्ट लगाया गया है जी। लगभग जल निगम से टंकी का दूसरा बोर का भी माननीय मंत्री जी के द्वारा निर्धारित कर दिया गया है।
ट्रांसफार्मर अभी थोड़ा सा कुछ दिन पहले ही बदला गया है, एक दो दिन पहले ही जी। तो सेवा दोनों मंत्रियों से ही लिया जा रहा है, दोनों मंत्री दे भी रहे हैं अपना योगदान, बाबा को समर्पित हैं। चलिए, आप लोगों ने बहुत अच्छा योगदान, बहुत अच्छी तरह यहाँ पर वाक पटता दिखाई है। और मैं आप लोगों से बस लास्ट सवाल ये पूछना चाहूँगा कि 2022 तक बाबा बिलखरनाथ की सूरत कैसे होनी चाहिए, वो आप हमको दिखाइए बातों के थ्रू। देखिए, सूरत कीरत दोनों में बड़ा अंतर है भोजा जी, मैं क्षमा चाहूँगा जी। भाव जो बना हुआ है मूर्ति का, वो व्यक्त नहीं किया जा सकता है। बिल्कुल बिल्कुल, भाव तो बहुत लंबे हैं, अब उसमें साकार कितना होगा वो तो भोलेनाथ की कृपा ही बताएगी। लेकिन ये है कि आने वाले समय में बिलखरनाथ का सूरत आज भी प्रदेश में नहीं पूरे देश में बिलखरनाथ का नाम चल रहा है जी। और जो भी कमियां हैं उनकी कृपा होगी, बहुत जल्द ठीक हो जाएगी, सूरत सीरत दोनों बदल जाएगा। बस अब हमको आप लोग आशीर्वाद दे दीजिए, हमारे YouTube दर्शकों से बता दीजिए कि इसको लाइक करें। बिल्कुल लाइक करेंगे सभी YouTube दर्शक भाई बंधुओं से निवेदन है, लोग लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा जो भी हो सके आपको सहयोग प्रदान करें। बस सभी लोग जय भोलेनाथ बोल के, जय भोलेनाथ की जय, आदि शक्ति मैया की जय। मनमास के ऊपर वीडियो बना रहे थे, तो सब तो हो गया है, अब आप भी अपना आशीर्वाद दे दीजिए। मनमास कब तक चलेगा ये बता दीजिए मदर्स को। मनमास 18 सितंबर से लगा है, 16 अक्टूबर को समापन होगा। अच्छा, यहाँ पर दूर दराज से ब्राह्मण आकर जब तक कर रहे हैं, दर्शनार्थी आकर जलाभिषेक रुद्राभिषेक भी कर रहे हैं और भगवान भोलेनाथ से अपनी मनोकामना मांग रहे हैं, बाबा उनकी मनोकामना को भी पूर्ण कर रहे हैं। अच्छा जी, तो जो जब तक कर रहे हैं उनका वीडियो ले सकते हैं जी। बिल्कुल दोस्तों, अभी बाबा जी ने बताया कि यहाँ पर 30 जब तक मनमास है तब तक कुछ पुजारी लोग जब तप कर रहे हैं, वैसे ही ये महानुभाव इनको हम बहुत देखते हैं यहाँ पर, हमेशा सेवा किसी भी पर्व पे सेवा करते हुए नज़र आते हैं और लोगों को अच्छी अच्छी बातें बताते हैं। तो इनसे इनका परिचय जानते हैं महाराज जी से, और ये किस उद्देश्य यहाँ पर बैठे हैं। महाराज जी, आप अपना परिचय दीजिए और अपना उद्देश्य यहाँ बैठने बताइए। नाम हमारा शिव कुमार ओझा है जी, हम इसी गाँव के रहने वाले, बगलपुर जी। हमारे बाबा शिवहर खोजा ब्रह्मचारी जी कहे जाते थे जी, उन्होंने इस मंदिर का निर्माण 1920 से कराना शुरू किया। अच्छा, पहले मंदिर नहीं था, मूर्ति ही थी। अच्छा, और मलमास भी लगाया उन्होंने। अच्छा, व्यवस्था करके, पहले मेला नहीं लगता था। अच्छा, तो पंडितों को बुलाते, कथा कराते, स्वयं भी ये बगल में चबूतरा है ना, इसी से कथा करते, जहाँ नीम का पेड़ भी था। अच्छा, ये तो हाल हमने 2 साल हुआ बनवा दिया। अच्छा, और ब्रह्मचारी जी अपने धन से इस मंदिर को बनवाए, चंदे वगैरह से बनवाए। अच्छा, वो कथावाचक थे, कथा बोलते थे, उस पैसे से बनवाए। भागवत का उन्होंने स्वयं हिंदी अनुवाद किया, कृष्णायन लिखा है। अच्छा, हिंदी में अभी वो छपा नहीं है, प्रेस नहीं हो पाया। अच्छा अच्छा, तो हाँ, उनके बाद श्री छूटा, उनके बाद श्री श्यामन गोझा, उनके लड़के थे छोटे वाले जी, वो यहाँ व्यवस्था देखते थे जी। सुबह पंडितों को चना गुड़ बटवाना, भंडारे की व्यवस्था करना जी, ये सब चला। फिर उनका भी श्री छूट गया तो 1991 से हम यहाँ बैठे। अच्छा अच्छा, तो इस अधिक मास में कुछ विशेष उद्देश्य बैठे होंगे आप। विशेष उद्देश्य है कि जन जागरण और जन सेवा भी रहता है, जो साधु महात्मा पंडित लोग आते हैं जी, तो भोजन वस्त्र निवास की व्यवस्था उनके लिए कुछ करना है, जो दूर वाले हैं नज़दीक वाले अपने घर चले जाते हैं। अच्छा, करना धर्म प्रचार करना, धर्म उद्देश्य, लोग सत्कर्म करें, सन्मार्ग पर चले, अपने धर्म का पालन करें, सनातन धर्म का ये उद्देश्य है। बिल्कुल, कितने बजे तक रहते हैं हम तो 24 घंटे यहाँ रहते हैं। अच्छा, हाँ 24 घंटे रहते हैं, व्रत रखते हैं 1 महीने का, हमारे बाबा भी रखते थे, काका जो रहते वो भी रखते थे। अब एक बार 4 बार ओम नमः शिवाय बोल दीजिए बस। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, जय भोले। दोस्तों, अधिक मास का वीडियो जो हमने बनाया है वो कंप्लीट हो गया है। अब बाबा जी से, क्योंकि दर्शन सुबह ही कर लिए हैं, आशीर्वाद लेके घर चल रहे हैं, तो बाबा जी मेरे सर पे आशीर्वाद दीजिए, आइए। और वीडियो आपको कैसा है, थोड़ा आइए। ये अधिक मास पे वीडियो मन मास पे बनाए हैं, और अब आप मुझे आशीर्वाद दीजिए, मैं घर जा रहा हूँ। बहुत बढ़िया किए आपने, तो बहुत अच्छा कार्य किए कि जो वीडियो बनाए बाबा की नगरी में। अच्छा, बहुत बढ़िया लगा, बहुत सुंदर, थैंक यू।